नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बकरी कैसे सुंदर औरत बन गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव था, उसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर बड़े हो गए थे और किसान अब बूढ़ा था। अब खेती बाड़ी का काम संभालने में उसे बड़ी दिक्कत होती थी। इस पर दोनों भाइयों ने किसान के पास जाकर कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं और अब हम दोनों भाई जवान हैं, तो हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं। इस पर किसान ने कहा, बेटा, वो तो तुम्हारी बात बहुत अच्छी है और मुझे ये सुनकर बहुत खुश भी हुआ हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि बेटा, हम किसान हैं और फसल उगाते हैं, लेकिन फसल में हमें कभी कभी फायदे की जगह नुकसान होता है। कभी कभी जो बारिश नहीं होती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, जिसके कारण हमारी फसल को नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जमीन मेरे पास है, उस पर तो मैं जैसे तैसे फसल बो ही रहा हूँ, फिर खेती कर ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों नगर में जाओ और दूसरे नगर में कोई व्यापार करो, कुछ कमा कर लाओ। दोनों भाइयों को अपने पिता की बात जच गई। दोनों भाई कहने लगे, ठीक है पिताजी, हम दूसरे नगर में जाएंगे और कुछ कमा कर लाएंगे। दोनों भाई अपनी माँ से आज्ञा लेने के लिए चल पड़े। जब वो अपनी माँ के पास पहुँचे तो माँ खाना बना रही थी। माँ ने दोनों बेटों को बड़े प्यार से खाना परोसा और वे कहने लगे, क्योंकि बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी थी तो बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी से भी मिलकर कहने लगा कि देखो, हमारे पिताजी ने बड़े दुख दर्द से हमें पाला पोसा है, अब हमारा फर्ज बनता है कि वे आराम करें और हम कमा कर उन्हें खिलाएं। उसकी पत्नी ने कहा, जो आप करोगे वही अच्छा ही है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप कमाने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर सासू माँ हैं, पिताजी हैं, मैं उनकी सेवा करूँगी और अपने घर में जैसा भी है उनके साथ खुशी खुशी रहूँगी। माँ जो खाना बना रही थी, माँ ने दोनों भाइयों के लिए खाना परोसा और बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाने लगी। दोनों भाइयों ने अपनी माँ को परदेश जाने की बात कही तो माँ ने कहा, बेटा, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। दोनों भाई कहने लगे, ठीक है माँ, और वहाँ से अपने घोड़े लेकर चल दिए, क्योंकि पहले जमाने में घोड़ों से ही सफर तय किया जाता था। अब दोनों भाई चलते चलते गांव से काफी दूर निकल गए। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। चलते चलते दोनों भाई थक गए। तभी दोनों भाइयों ने देखा कि एक बहुत भारी सा पेड़ था और उसके पास एक कुटिया बनी हुई थी। उसी पेड़ के नीचे एक बकरी बंधी हुई थी। दोनों भाइयों ने सोचा कि जरूर यहाँ पर कोई रहता होगा। चलते चलते भूख प्यास का भी एहसास उन्हें होने लगा था। धूप भी ज्यादा थी। दोपहर का समय था। दोनों भाई सोचने लगे कि थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लें, जलपान कर लें, तब अपना आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन दोनों भाई चलने के चक्कर में ये भूल गए कि जिस दिशा में जाने के लिए माँ ने मना किया था, उसी दिशा में वो पहुंच गए। वे पूरब, पश्चिम, उत्तर छोड़कर दक्षिण दिशा में चले गए। इस बात का तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। जब दोनों भाई वहां पर बैठकर आराम करने लगे तो बड़े भाई ने कहा कि देखो, कहीं आसपास तालाब भी होगा, प्यास भी बहुत जोरों से लग रही है। छोटा भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, अगर पानी होगा तो आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। छोटा भाई पानी की तलाश में आगे चला गया और बड़ा भाई घोड़े बांधकर और वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। जैसे ही बड़े भाई, क्योंकि थक गया था, ऊपर से गर्मी बहुत थी, पेड़ की शीतल छाया मिली और वह लेटा तो तुरंत उसको झपकी आ गई। झपकी आ गई तो क्या देखता है कि जो बकरी बंधी हुई है वो एक बहुत सुंदर औरत में बदल गई, बहुत सुंदर नारी बन गई। वो नारी आकर उससे तरह तरह की मीठी बातें करने लगी।
वो व्यक्ति जो बड़ा भाई था वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी और उससे कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर बड़े भाई ने कहा कि देखो, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आया हूँ और कमाने के लिए परदेश अपने छोटे भाई के साथ जा रहा हूँ, इसलिए ये सोचना तो अनुचित है। तभी उस औरत को इतना गुस्सा आया क्योंकि वह दरअसल एक राक्षसनी थी और बड़े भाई और छोटे भाई दोनों पर मोहित थी। लेकिन तभी उसे इतना गुस्सा आया जब उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उसने तुरंत बड़े भाई को निगल लिया और उसके घोड़े को भी निगल गई और फिर बकरी बन उसी पेड़ के नीचे बंध गई। अब छोटा भाई जब पानी तलाश कर लाया तो देखने लगा कि मेरा बड़ा भाई कहाँ चला गया। वो चारों तरफ निगाह उठाकर देखता है लेकिन बड़ा भाई उसे नजर नहीं आ रहा, तो बेचारा इधर उधर भाग भाग कर देखता है कि कहीं भाई पानी की तलाश में तो कहीं नहीं चला गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि कहीं मेरा भाई मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। ऐसे सोचते सोचते वो सोचता है कि बचपन से अब तक दोनों भाई हम साथ रहे हैं, छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं। अगर भगवान भी आकर कहें कि मेरा भाई मुझे धोखा देकर चला गया है तो मैं नहीं मान सकता। जरूर मेरे भाई के साथ कोई न कोई अप्रिय घटना हुई है या फिर वो मुझे ढूंढने के लिए गया होगा। अगर वह मुझे ढूंढने के लिए गया होगा क्योंकि मुझे भी पानी लाने में बहुत समय लग गया है। अगर वह मुझे ढूंढने गया है तो मैं यहीं बैठ करके अपने भाई का इंतजार करता हूँ, और वो भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि जो बकरी है उसमें अजीब सी हलचल हो रही है। क्योंकि छोटा भाई बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था, अब वो विचार करने लगा कि तभी तुरंत उसे याद आया कि माँ ने कहा था कि तीनों दिशा जाना, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा मत जाना। उसने विचार किया और देखने लगा तो वह कहने लगा, ये हमसे क्या हो गया? जिस दिशा में आने के लिए माँ ने मना किया उसी दिशा में हम लोग आ गए। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अपने बड़े भाई का इंतजार करता हूँ और यहीं से हम वापस चले जाएंगे। तब उसने देखा कि जो बकरी है वो बहुत सुंदर औरत बन गई और उसके पास आई, क्योंकि वो औरत तो जो राक्षसनी सोच रही थी कि इस लड़के ने मुझे देखा नहीं है, सोया हुआ है। लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन उसने बकरी से सुंदर नारी बनते हुए देख लिया था। तभी वो औरत उसके पास आई और उससे विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। अब वो लड़का समझ गया कि जरूर यह कोई मायावी है, इसने ही मेरे भाई के साथ कुछ अनर्थ किया है। लेकिन अपनी जान खतरे में देखकर उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया, क्योंकि एकदम से उससे पीछा छुड़ा नहीं सकता था। तुरंत ही वो कहने लगी कि तुम मुझसे शादी करोगे। बातों ही बातों में वो उसका ध्यान भटका कर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर कहने लगा कि अब जो कहना है कहो। तब वो कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे सुंदर लड़के हो, तुम्हें देखकर मेरा मन ललचा रहा है, क्योंकि वो तो राक्षसनी थी, उसे तो खून पीना था, लेकिन वो दिखावा कर रही थी, कह रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। छोटा भाई कहने लगा कि शादी तो मैं तुमसे कर लूंगा, पहले ये बताओ कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है, उसका घोड़ा और मेरा बड़ा भाई कहाँ है। इस पर वह राक्षसनी कहने लगी, अब मैं समझ गई तुम मेरी हकीकत जान चुके हो, और या तो तुम सीधे सीधे मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगी। जब उसकी बातों बातों में उसका राज खुल गया, छोटा भाई समझ गया किसी ने मेरे भाई के साथ कुछ अनहोनी की है। वह कहने लगा कि तुझ जैसी दुष्ट स्त्री के साथ विवाह के बारे में भी सोचना अनर्थ है, तूने मेरे भाई के साथ अनर्थ कर डाला, बिना भाई के मैं उसकी बीवी को क्या जवाब दूंगा, हम तो परदेश कमाने के लिए निकले थे। अब वह कहने लगी, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगी। लेकिन लड़का पेड़ के ऊपर था और उस राक्षसनी को पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था, पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचा रखी थी, उसे बहुत देर हो गई। दोनों आपस में बातें कर रहे थे
तभी उसे घोड़े की ठक ठक की आवाज आने लगी। वो दोनों उस दिशा में देखने लगे कि जरूर कोई चला आ रहा है। तभी दोनों की नजर पड़ी, एक राजा उधर से निकल रहा था। अब उस राक्षसनी ने सुंदर औरत का रूप धर लिया, अच्छे अच्छे गहने पहन लिए। राजा एक सुंदर औरत और वृक्ष पर चढ़े हुए व्यक्ति को देखकर उन दोनों के पास आकर पूछने लगा कि तुम दोनों क्या परेशानी है? दोनों को क्यों तुम ऐसे खड़े हो? अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ तो बताओ। इस पर वे जो औरत थी रोने लगी और कहने लगी, महाराज, जो ये लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ है यह कोई और नहीं, यह मेरा पति है और हम मियाँ बीवी जा रहे थे और रास्ते में बातों बातों में हम में झगड़ा हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। महाराज, कभी ऐसा भी होता है? ऐसा कौन सा घर है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? लेकिन ये तो मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और इस पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा। राजा ने उस लड़के से कहा, क्यों भाई, ऐसा कौन सा घर है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? तुम क्यों इतनी सुंदर बीवी को त्याग रहे हो? कितनी सुंदर बीवी, ये कितनी संस्कारी है। इस पर वो लड़का कहने लगा, महाराज, आप इसकी सुंदरता पर मत जाइए। यह एक मायावी राक्षसनी है। यह मेरे भैया को निगल गई, उसके घोड़े को भी निगल गई और अब यह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यह मुझे खा जाना चाहती है, लेकिन मैं इस पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा। राजा कहने लगा, अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं रखना है तो मत रखो, लेकिन उस पर इस तरह के इल्जाम तो मत लगाओ। अब वो भी त्रियाचरित्र बिखेरने में पीछे नहीं थी। वो कहने लगी, राजा साहब, अब आप ही देख लीजिए, आपके सामने ये कैसे कैसे कलंक मेरे पर लगा रहा है। अगर यह मुझे नहीं रखेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस पर राजा उसे बहुत समझाता है कि अपनी बीवी को ले जाओ। इस पर वो लड़का झल्ला कर कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है और मेरी बात नहीं मानते तो तुम ही इसको ले जाओ। राजा तो पहले से ही उस औरत को देखकर मोहित था, क्योंकि वह तो बहुत सुंदर थी। राजा को तो उसकी सुंदरता के आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अब रही सही कसर उस लड़के ने पूरी कर दी कि तुम इसे ले जाओ। राजा सहित सभी वह तैयार हो गया कि ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। वह उस औरत से कहने लगा, जो बकरी बनी बकरी औरत बन गई थी, कि चलो तुम मेरे महल में चलना और वहाँ खुशी खुशी रहना। इस पर वो औरत कहने लगी, महाराज, अगर मैं आपके साथ महल में चलूंगी तो रानी ना जाने क्या क्या सोचेगी। मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है और जब रानी को ये पता चलेगा तो वो आप पर शक करेगी। इस पर राजा ने कहा कि एक राजा कई कई रानियां रख सकता है। अगर तुम मेरे साथ खुश रहना चाहती हो और तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। वो राक्षसनी को क्या चाहिए? उसने तो सोचा राजा है, राजा के महल में तो उसे बहुत कुछ खाने पीने को मिलेगा। क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी है? उसने अपना आगे का सोचा तो सहर्ष उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है महाराज, अब क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे त्याग दिया है, मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुझे आपसे विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं है। अब राजा उससे शादी कर लेता और उसे अपने साथ ले जाता है। जब दोनों महल पहुंचते हैं तो रानी, जो बड़ी संस्कारवान और बड़ी पतिव्रता थी, वो उसे देखकर उसके दिमाग में हलचलें सी हुई कि ये राजा किसको लेकर आ गए हैं। तब राजा कहता है कि यह बेचारी किस्मत की मारी है, इसको मैंने सहारा दिया है और इससे मैंने शादी कर ली है। राजा की बात सुनकर रानी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी भी पत्नी उसको अपने पति की दूसरी शादी सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसने अन्य ढंग से उसका गृह प्रवेश करवाया और सारी रस्में निभाई। अब राजा तो उस पर इतना लट्टू था कि उसे तो बड़ी रानी उसके आगे फीकी दिखाई दे रही थी। उसने अपने कक्ष में बड़ी रानी को जाने के लिए कह दिया कि इस कक्ष में आज से मेरे साथ छोटी रानी रहेंगी और आप किसी दूसरे कक्ष में जाइए। रानी की एक दासी थी।
वो बहुत ही ईमानदार और पूरी ही तरह से राजा रानी की बड़ी आज्ञाकारी थी। रानी के साथ वह उसके मायके से आई थी। जब रानी की शादी हुई थी, इसलिए वह रानी की हर बात मानती थी, हर दुख सुख की वह साथी थी। वह दासी रानी को अलग ले गई। रानी बेचारी का बड़ा दिल टूटा। अब उधर जो वह बकरी बनी राक्षसनी थी, रात को तो वह जब राजा सो जाता तो वह कोई भी रूप धरती और राजा के जो अस्तबल में घोड़े थे, हाथी थे, गाय भैंसे, कितने ही राजा के पास जानवर थे, उसमें जाती और एकाद ऊंट, हाथी, घोड़ा जो भी मौका लगता उसको निकल ले आती और आकर सुंदर रानी बनकर फिर राजा के पास आकर लेट जाती। राजा को तो उसके रूप जाल में ऐसा फंसा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन धीरे धीरे, अब जो एक दो दिन की बात हो, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी घोड़ा, कभी हाथी कम होने लगी। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने में तो काफी सारे हाथी घोड़े कम हो गए। कई कई नौकर चाकर भी कम हो गए। दास दासियां भी कम होने लगी। ये बड़ी रहस्यमय बात थी कि आखिर सब गए कहाँ? अब बड़ी रानी को कुछ शंका हुई। उसने छोटी रानी से, जो दासी थी, उससे कहा कि जो छोटी रानी है, हम दोनों उसकी जो जासूसी करेंगे, पता करेंगे कि आखिर यह क्या है, क्योंकि मुझे तो इस पर शुरू से ही शक है। अब एक रात जब राजा सो गया, छोटी रानी अपने असली भेष में आई और अस्तबल की तरफ चल दी, तो बड़ी रानी और उसकी दासी उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह अस्तबल में पहुंची तो उसने एक घोड़ा उठाकर निगल गई और एक वहां पर चौकीदारी कर रहा था उसको भी खा गई। ये देखकर तो रानी और दासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जब रानी आकर घर अपने कक्ष में आकर राजा के साथ अपने आराम से सो गई। अगली सुबह बड़े राजा, जो बड़ी रानी थी, राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। महाराज ने कहा, कहिए रानी, क्या कहना चाहती है? इस पर बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, जो आपकी यह छोटी रानी है, यह कोई रानी वाणी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, यह एक राक्षसनी है। अब तक तुम्हारे महल में जो भी रहस्यमयी चीजें हो रही हैं, कि लोग कहाँ जा रहे हैं, हाथी घोड़े क्यों कम हो रहे हैं, यही उनको खा जाती है, क्योंकि इनको हमने अपनी आँखों से देखा है। अब जो छोटी रानी त्रिया चरित्र बिखेरने में माहिर थी, वो रोने लगी। कहने लगी, बड़ी दीदी, आप कम से कम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम तो नहीं लगाइए। मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आप जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, आप मुझसे कितना जलती हैं। राजा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं और आपको उन्होंने कक्ष से निकाल दिया, इसलिए आप इस चीज का बदला ले रही हैं। भला मैं आपको राक्षसनी दिखाई दे रही हूँ, मैं कैसे इनको खा सकती हूँ? राजा ने जब देखा कि छोटी रानी रो रही है, तो वो तो बड़ी रानी पर बड़ा गुस्सा हुए। कहने लगे, कम से कम ऐसी ऊटपटांग बातें तो मत करो। चलो ठीक है, सौतन सौतन से जलती है, थोड़ी होती भी है, लेकिन इस तरीके के अटपटे जो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बड़ी रानी समझ गई कि राजा उसके मोहपाश में बंधा हुआ है, वो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। तब बड़ी रानी कहने लगी कि मेरी दासी से पूछ लीजिए, उसने भी इसको देखा है राक्षसनी बनते हुए। लेकिन वह रानी कहने लगी, महाराज, दासी भी तो इन्हीं की है, वो तो इन्हीं के गुण गाएगी। अब राजा ने कहा कि मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे छोटी रानी पर पूर्ण विश्वास है। बड़ी रानी चुप रह गई। अब जब एक दो दिन बीत गए, महल में कोई ऐसी कोई चीज नहीं हुई, क्योंकि अब जो छोटी रानी थी वो सतर्क हो चुकी थी। एक दो दिन उसने किसी दास दासी से ही काम चलाया, वो अस्तबल की तरफ नहीं गई। अब उसने सोचा कि जब तक ये बड़ी रानी है, यह मेरे विरुद्ध कुछ न कुछ यंत्र रचती रहेगी, इसको महल से निकालना जरूरी है। अब उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगी, महाराज, आप तो राजकाज के काम में बिजी हो जाते हो, राजदरबार में चले जाते हो, इधर बड़ी रानी मुझे बड़े ताने कसती है, वो बहुत नीचा दिखाती है, बताइए महाराज, मैं क्या करूं? अगर मैं कहीं दूसरी आई हूं, आप मुझे लेकर आए हो, तो
क्या मेरी बेइज्जती कराने के लिए लाए हो? अच्छा होगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे उसी जंगल में छोड़ आइए। मैं अपने पर कहीं न कहीं अपना गुजर बसर कर लूँगी। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया, अब आप भी मुझे छोड़ दीजिए। राजा को उसकी बातों पर पूरा विश्वास था। वह कहने लगे, छोटी रानी तुम क्यों जाओगी? जाएगी तो बड़ी रानी, और यही तो वह चाहती थी। राजा के कान भर भर कर राजा ने बड़ी रानी को तुरंत पेश होने के लिए कहा। बड़ी रानी तुरंत राजा के पास आई और राजा ने कहा कि इसी वक्त तुम और तुम्हारी दासी यह मेल छोड़कर कहीं भी जाओ। बड़ी रानी को बड़ा झटका लगा क्योंकि रानी को अभी अभी पता चला था कि वो गर्भ से है और यह खुशखबरी वो राजा को सुनाने ही वाली थी कि इससे पहले ही राजा ने यह निर्णय ले लिया। वो कुछ बता भी नहीं पाई। बेचारी रोती सुबकती महल से चल दी। दासी भी चल दी। रानी ने कहा कि दासी मेरी किस्मत में तो जो दुख लिखे हैं, मैं तो उन्हें भोगी, लेकिन तुम अपने घर जाओ। तुम क्यों मेरे साथ अपना समय नष्ट करती हो, अपनी जिंदगी खराब करती हूँ? इस पर दासी ने कहा, महारानी माफ करें, बचपन से आज तक आपकी सेवा में लगी रही हूँ। आपके प्रति जो मैंने अपने कर्तव्य निभाए हैं, मुझे उनसे विमुख मत कीजिए। मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारी सेवा में अर्पण कर दिया, इसलिए जहाँ आप जाएंगी वहाँ पर मैं चलूँगी। रानी के बहुत मना करने पर भी दासी ने उसको नहीं छोड़ा। वह रानी के साथ ही रही। दोनों जंगल में चली गई। वहाँ पर लकड़ियाँ काट कर एक अच्छा सा चबूतरा देखकर जहाँ पर एक तालाब था, वहाँ पर एक कुटिया बनाकर दोनों रहने लगी। कुटिया बनाकर रहने लगी और जो कंदमूल होते वन में उन्हें खाती और अपना गुजारा करती। धीरे धीरे 9 महीने बीतने वाले थे। रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। समय पूरा हो गया। पुत्र रत्न पाकर रानी बहुत खुश थी। पास में ही एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि जी ने बच्चे को बहुत ही शुभ बताया कि रानी अब तुम्हारे दुख के दिन कटने वाले हैं। तुम्हारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान होगा। फिर दोनों रानी और दासी अपने पुत्र के साथ समय बिताने लगी। उधर महल में राजा को जो महल में वही चलता रहा। राजा के बहुत कम हाथी घोड़े रह गए, बहुत कम दरबारी रह गए, सैनिक रह गए, दास दासियां भी नामात्र रह गई राजा के। लेकिन राजा की तो बुद्धि भ्रष्ट थी, उसे तो छोटी रानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उधर 10-12 साल गुजर गए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि उसमें अच्छे संस्कार थे। ऋषियों के आश्रम पास में थे और उन्हीं से वो विद्या ग्रहण करता था। धीरे धीरे और समय बीता, लड़का 15 साल का हो गया। लड़का कहने लगा, माँ मैं कोई काम करना चाहता हूँ जिससे कि मैं तुम्हारा गुजारा कर सकूँ। तुम्हें किसी चीज का कष्ट ना हो मानेगा। ठीक है बेटा, जाओ, जो भी काम तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। वो लड़का चल दिया और उसी राजा के महल में पहुंच गया जहां राजा था। राजा ने उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया। उसे जो खाना बनाने वाला रसोईया था उसके साथ उसको रख दिया क्योंकि वह भी उसके साथ काम करे। रसोईया पहले से ही उस लड़के को जानता था, इसलिए वो खाने बनाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अब धीरे धीरे जो लड़का काम संभालने लगा, राजा को उसका काम बड़ा पसंद आने लगा। राजा जब भी लड़के को देखता तो उसे एक अपनापन सा महसूस होता। लड़के को देखकर राजा थोड़ा रोमांचित सा होता, लेकिन वो कह नहीं पाता था। वो राजा उसे किसी न किसी बहाने कोई न कोई इनाम देता रहता जिसे देखकर छोटी रानी जल भू जाती। अब उसकी नज़र उस लड़के पर ही थी कि मौका देखकर वो ऐसे ही निगल जाएगी क्योंकि यही लड़का राजा और उसके बीच में दीवार बन रहा है। अब ये ऋषि मुनि जो थे, जिनके पास शिक्षा ग्रहण करती थी, माँ भी उसकी पतिव्रता थी, तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि जो रानी है दुष्ट रानी। वो लड़के पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। तभी ऋषियों ने अपनी एक बूटी ली, चमत्कारी बूटी ली, और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस लड़के को दिया और कहा कि आज हम तुम्हें कुछ सच्चाई बताने वाले हैं। लड़के ने कहा, कैसी सच्चाई? ऋषि मुनि जो थे
उन्होंने ऋषि जी ने कहा कि पुत्र, जिस राजा के यहाँ तुम काम करते हो वही राजा तुम्हारा पिता है और तुम उस राज्य के राजकुमार हो। ये सुनकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि आज जाकर वो अपने पिता को सारी बात बताएगा, लेकिन ऋषि जी कहने लगे कि नहीं पुत्र, तुम जाकर अपने पिता को कुछ भी मत बताना। अगर बताओगे तो कौन सा तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? नहीं, वे तुम्हें वहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे, जैसे तुम्हारी माँ को निकाल दिया था राजा ने। राजा ने उस दुष्ट रानी के चक्कर में आकर अपना राज्य बर्बाद कर लिया है। उनको इस राज्य को संभालना है, उनको सच्चाई दिखानी है ताकि वे सच पर विश्वास कर सकें। तुम्हारी माँ ने कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हो सकी, उल्टा उनको ही राज दरबार से निकाल दिया गया और यहाँ हमारे साथ आश्रम के पास में कुटिया बनाकर रहती है। लड़का बोला, ऋषि जी फिर मुझे क्या करना होगा? इस पर उन ऋषियों ने मिलकर एक बूटी को अभिमंत्रित किया जो किसी पेड़ की जड़ थी और कहने लगे कि तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पेड़ की जड़ को दूध में उबालकर रानी को पिलाना है। जैसे ही रानी यह पिएगी तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर अपना रूप नहीं बदल पाएगी। यही एक उपाय है जो राजा को सच्चाई दिखा सकता है। लड़की ने वो बूटी संभाल कर रख ली। ऋषि ने कहा कि पुत्र, इस काम में जोखिम भी है, किसी को शक ना हो जाए। ये बूटी एक ही बार काम करेगी, अगर इसमें तुम सफल हो गए तो फिर हम कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी जीवन भर की तपस्या का फल है। लड़की ने बूटी संभाल कर रखी और महल की तरफ चल दिया, क्योंकि वह रसोईया तो था ही, उसने बड़ी अच्छी सी खीर बनाई, दूध उबाला, अच्छे से अच्छे अच्छे भोजन बनाए और उसने राजा रानी को बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोग लगाए। राजा तो बड़ा प्रसन्न था कि बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, लेकिन रानी को भोजन में कहाँ इंटरेस्ट था। उसे तो जो इंसानी मांस जानवरों का मांस प्रिय था, रानी तो बस ऐसे ही खा रही थी। मन रखने के लिए राजा कहने लगा, देखो कितना सुंदर खाना बनाया, कितना टेस्टी है। लेकिन रानी तो हाँ में हाँ मिलाती रही कि कहीं राजा को शक ना हो जाए। अब जब उसके बाद खाना हो गया, शाम के समय सब सोने लगे तो राजा रानी अपने कक्ष में बैठी बातें कर रही थी। लड़का दूध उबालकर ले गया। बड़ी सावधानी से उसने एक गिलास राजा को दिया और एक राक्षसनी रानी को दिया। रानी कहने लगी, उसे दूध नहीं पीना है। राजा ने बहुत आग्रह किया कि दूध पी लो, क्योंकि दूध बहुत पौष्टिक होता है, तुम्हें अच्छे से नींद आएगी और देखो मैंने पीकर देखा, लड़के ने बहुत अच्छा दूध बनाया है, बिल्कुल बहुत अच्छी खोवे की खुशबू आ रही है। लेकिन रानी को दूध कहाँ अच्छा लगता था, लेकिन राजा का मन रखने के लिए उसने वो दूध पी लिया। दूध पीते ही रानी का एकदम सुंदर चेहरा भयानक चेहरा बन गया। ये देखकर राजा डर गया। राजा तुरंत वहाँ से खड़ा हो गया और अपनी तलवार निकाल ली। वह रानी कह रही थी जो राक्षसनी बन गई, आज तो मैं राजा तुझे और इस लड़के को निगल जाऊंगी, कई दिनों से भूखी हूँ, सही से खाना नहीं खाया है। अब राजा को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ आज तक क्या हो रहा था। उसने तुरंत तलवार निकाली और उस रानी की गर्दन पर मार दी, जिससे उस राक्षसनी के धड़ अलग और गर्दन अलग हो गई। वो वहीं गिरकर तड़पने लगी। अब राजा की समझ में सब आ गया कि वो कितना उसके प्यार में अंधा हो रहा था, उसके रूप जाल में फंसा हुआ था। तब उस लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको मुझे कुछ और भी बताना है। महाराज कहने लगे कि हाँ बताओ। लड़के ने कहा कि महाराज आप मेरे पिताश्री हैं। ये सुनकर राजा उसकी तरफ देखने लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारा पिता कैसे हो सकता हूँ, मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है। तब वो लड़का कहने लगा, राजा साहब आपकी बड़ी रानी जिसको आपने महल से निकाल दिया, मैंने उसी की कोख से जन्म लिया है। ये सुनकर तो राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा।
उसने तुरंत उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वह मन में सोच भी रहा था कि जब भी इस बच्चे को देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही अपनापन सा महसूस होता है कि जैसे मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है। तब उस लड़के ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी राजा को बताई कि कैसे ऋषि जी ने अभिमंत्रित करके जड़ दी थी कि जिससे वो अपने असली रूप में आपके सामने आ जाए। अब तक आपके महल में जो कुछ हो रहा था, हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि इंसान महल के तो महल के, गांव नगर के भी जो खत्म हो रही थी, गायब हो रहे थे, वो सब इसी राक्षसनी के कारण हो रहा था। अब राजा को समझ आने लगी कि वो लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ा हुआ था। वो कोई इसका पति नहीं था। अब राजा ने तुरंत बड़ी रानी को महल में लाने का आदेश दिया और उसने पूछा कि तुम्हारी रानी माँ है, वो कहाँ रहती है। लड़का उन्हें लेकर आश्रम की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर एक कुटिया के पास पहुंचा। वहाँ बड़ी रानी को देखकर राजा के आंखों में आंसू छलक आए। रानी ने राजा के चरण छुए और कहने लगी, महाराज, देर आए दुरुस्त आए कोई नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए, घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और महाराज, मैंने तो आपके सामने सच्चाई लानी चाहिए, क्योंकि मैंने और दासी ने तो देखा था, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम मजबूर थे, हमें आपकी आज्ञा का पालन करना था, सो आपने हमें घर से निकाल दिया और हम यहाँ आकर रहने लगे। ये तो ऋषि जी मुनिव हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया और आज आप उस सच्चाई सामने आ गई। राजा बड़े इज्जत और बड़े सम्मान के साथ बड़ी रानी और दासी को अपने महल में ले गए। अपने राजा ने अपनी जो औलाद थी, अपना जो पुत्र था, उसको राजकुमार घोषित कर दिया। अब राजा के महल में सब सुखपूर्वक रहने लगे। उधर लड़का पेड़ से उतरकर जब अपने घर गया तो घर में जब उसने सारी बात बताई तो घर में कोहराम मच गया कि उसके साथ क्या घटना घटी है। अब धीरे धीरे वे बहुत विलाप करने लगे, लेकिन कहते हैं कि मरे के साथ मरा नहीं जाता। उसी तरह उन लोगों ने भी सबर कर लिया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अब छोटा बेटा दूसरी दिशा में गया, खूब अच्छा कमाने लगा है, अपनी भाभी, भाभी के बच्चों और अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।